राजधानी दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त तो हुआ ही, साथ ही इसमें जान माल का भी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। लेकिन अब यमुना के जलस्तर के घटने और रिहायशी इलाकों से पानी के उतरने के बाद सरकार जनजीवन को सामान्य और यातायात व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश में लग गई है। हालांकि बाढ़ से राहत के बीच दिल्ली की सियासत भी तेज हो गई, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर केजरीवाल सरकार समय रहते लोगों को बाढ़ के खतरे की सूचना दे देती तो लोगों को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। दिल्ली में आई बाढ़ और फिर उससे हुए जानमाल के नुकसान को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार अगर समय रहते बाढ़ की संभावना को लेकर लोगों को सतर्क कर देती तो दिल्ली को बाढ़ग्रस्त नहीं होना पड़ता और न ही इतना नुकसान होता। उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ का पानी आने से किसानों, व्यापारियों, कारोबारियों सहित मजदूरों का तिला से बदरपुर तक सड़कों व रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों का भी बड़ा नुकसान हुआ है।